रसखान विरचित सवैये के प्रश्नों की चर्चा पूर्व के विजुअल में भी की गई है, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक, जो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 102 में है, बताया। छठा प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? प्रश्न में स्पष्ट रूप से संकेत है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको चौथे सवैये के आधार पर ही देना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। एक चीज का और ध्यान रखना होता है प्रश्नों के उत्तर देते समय, कि प्रश्न की मांग जो होती है, प्रश्न की मांग के अनुसार ही विद्यार्थी को उसका उत्तर लिखना चाहिए। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि चौथे सवैये के अनुसार या चौथे सवैये के आधार पर ये बताएं कि गोपियां अपने आप को विवश कैसे पाती हैं। अतः जाहिर सी बात है कि हम इस प्रश्न का उत्तर चौथे सवैये के आधार पर ही देंगे। चौथा सवैया, जैसा कि आपने पढ़ा है पहले, काननी दे अंगूढ़ी रही बो जब ही मुरली धुन मंद बजाई हैं। गोपियों का कहना ये है कि जब भी कृष्ण अपने मुरली की धुन बजाएंगे, जब भी कृष्ण के बांसुरी से बांसुरी बजाने की आवाज़ हमारी कानों तक आएगी, तो हम अपनी कानों में उंगलियां डाल लिया करेंगे। और मोहनी तानन सोरस खानी अटाचड़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, कितना हूँ मोहिनी धुन बजाएँ, कितना हूँ अच्छी धुन बजाएँ, अटाड़ी पे चढ़ के बजाएं, अटाड़ी पे चढ़ करके वो गोधन यानी गोधुन होता था एक, जो गायों को चराने के समय कृष्ण बजाया करते थे, उसको गोधुन कहा जाता था। वही यहाँ कहा गया है कि मोहनी तानन सोर सखानी अटाचड़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, टेढ़ी कहो सिगड़े ब्रज लोगिनी काली को कितनो समझाई हैं। हमको कोई कितना हूँ समझाएगा, कोई कितना हूँ बताएगा, हम कृष्ण के बांसुरी की धुन को सुनने का प्रयास करेंगे। हमने पहले भी कहा है आपसे कि गोपियां कृष्ण के बांसुरी को अपनी दुश्मन मानती थीं, अपनी सौत मानती थीं, उससे जलन रखती थीं। कारण अस्पष्ट था कि जब भी कृष्ण के होठों पर बांसुरी होती थी तो उनकी आंखें बंद हो जाया करती थीं, अतः वो गोपियों को नहीं देख पाते थे। गोपियां ये चाहती थीं कि कृष्ण की आंखें हमेशा उन्हें देखती रहें, लेकिन जैसे ही कृष्ण के होठों पर बांसुरी जाती थी तो कृष्ण की आंखें बंद हो जाया करती थीं। वो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे, आंखें बंद करके बांसुरी बजाते थे। आप किसी बांसुरी वादक को ध्यान से देखिएगा, आज भी जब कोई बांसुरी वादक तल्लीन होकर के, मगन होकर के बांसुरी बजाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और इस तरीके से कृष्ण गोपियों को नहीं देख पाते थे, अतः वो चाहते थे कि कृष्ण के होठों पर बांसुरी नहीं जाए। लेकिन अब जहाँ तक उनकी विवशता का प्रश्न है, तो विवशता ये है गोपियों की कि कृष्ण की बांसुरी से गोपियों को जलन है, लेकिन कृष्ण की मुस्कुराहट से गोपियों को उतना ही स्नेह है, उतना ही प्रेम है, उतना ही लगाव है। और कृष्ण के होठों पर वो मुस्कुराहट तभी सजती है जब कृष्ण के होठों पे बांसुरी होती है, यानी उनकी आंखें भले ही बंद रहती हैं लेकिन उनके होठों पे मुस्कुराहट छाई रहती है, जो कि गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। गोपियां कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यही गोपियों की व्यवस्था है कि बांसुरी है तो आँखें बंद है, अतः कृष्ण उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन बांसुरी है तभी उनके होठों पर मुस्कान है। और यदि बांसुरी नहीं होगी तो कृष्ण के होठों पर मुस्कान नहीं आएगी। तो यही दुविधा की स्थिति है, यही विरोधाभास है, यही गोपियां अपने आप को समझा नहीं पा रही हैं कि वो करें तो क्या करें। आगे भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, दो प्रश्न, दो पंक्तियां सवैया की भाव स्पष्ट करने के लिए है। एक दूसरे सवैये से है, क जो है, कोटिक ए कलधौत के धाम कड़ील के कुंजन ऊपर वारों, यह दूसरे सवैये से लिया गया है। तथा ख, माई रिवा मुख की मुस्कानी संहाड़ी न जईहें न जईहें न जईहें, ये चौथे सवैये की अंतिम पंक्ति है, जिनका भाव स्पष्ट करना है आपको।
कोटिक ए कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वाड़ा। एक चहेता एक प्रेमी अपने प्रेमी के ऊपर सब कुछ लुटा देना चाहता है, सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में कभी पाने की इच्छा नहीं रखी जाती, प्रेम में हमेशा त्याग का भाव होना चाहिए। प्रेम में हमेशा त्याग का भाव होता है, प्रेम में हमेशा बलिदान का भाव होता है। मोह माया नाम की चीज़ किसी वस्तु विशेष से प्रेम में नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। वही कोटिक ए कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों के माध्यम से रसखान ये कहते हैं कि लाखों करोड़ों स्वर्ण जड़ित महलों का सुख हम कृष्ण के आगे न्यौछावर करने को तैयार हैं। उन कंटीली झाड़ियों को देख करके, उन कंटीली झाड़ियों में घूम करके जिसमें कृष्ण घूमते हैं, जहाँ से कृष्ण होकर के गुजरते हैं, जहाँ कृष्ण के कदमों की छाप है, जहाँ कृष्ण के शरीर की खुशबू है, जहाँ कृष्ण के बांसुरी की धुन है, मैं हजारों लाखों करोड़ों महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी भक्त जो है वह अपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को, सब कुछ त्यागने को तैयार है। उसे अपने आराध्य से अटूट प्रेम है, उसे अपने आराध्य से अटूट लगाव है और वह उनके हर चीज़ के लिए, आपने पहले भी इसमें पढ़ा है कि या लकुटी और कामड़िया पर राज तिहूँ कुड़ को तजीडारों, लकुटी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों का राज्य त्यागने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, आठों सिद्धि और नवो निधि क्या है मैंने पहले भी बताया है, तो आठों सिद्धियों और नवो निधियों के सुख का त्याग करने को तैयार हैं। वैसे ही करिल के कुंजन में घूम करके भटक करके उन कंटीली झाड़ियों में जहाँ कृष्ण की यादें हैं, ये महलों का सुख त्यागने को तैयार है। दूसरा यानी ख नंबर जो है, ख माई रिवा मुख की मुस्कानी संभाड़ी न जईह न जईह न जईह। तो अभी जैसा हमने छठे प्रश्न का उत्तर बताया आपको कि यह गोपियों के लिए एक विरोधाभास वाली स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, एक तरीके का द्वंद्व है उनके मन में कि उनके कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट उनसे संभाली नहीं जाती, कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट को देखने का उन्हें अपार सुख मिलता है और यह तभी संभव हो पाता है जब कृष्ण के होठों पर बांसुरी होती है। यानी भगवान अपने भक्त को खुश देखना चाहते हैं, भक्त अपने भगवान को खुश देखना चाहता है, प्रेमी अपने प्रेमी को खुश देखना चाहता है, वो चाहता है कि उसके होठों पर मुस्कान सजी रहे, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, और अपने दुख अपने दर्द को इंसान भूल जाता है, भुला देता है जब उसका चाहने वाला उसको सुखी दिखता है, उसका चाहने वाला जिससे वो प्रेम करता है, जिससे उसे स्नेह है, जिससे उसे लगाव है, वह व्यक्ति जब खुश होता है तो अपना दुख अपना दर्द आदमी आसानी से भूल जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यानी आठ नंबर प्रश्न जो है इस पाठ का, उसमें पूछा गया कि कालिंदी कुल कदंब की डारन में कौन सा अलंकार है, कालिंदी कुल कदंब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो हमने अनुप्रास अलंकार की व्याख्या करते वक्त आपको बताया था कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, कालिंदी कुल कदंब, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 जो है वो काव्य सौंदर्य आपको बताना है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आप जान लीजिए कि जो भी पंक्ति दी गई है जिसका काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है, तो उसके एक एक चीज को, उसके एक एक शैली का बारीकी से विश्लेषण करते हैं।
यानी उसमें हम देखते हैं कि कौन अलंकार है, कौन रस है, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों का आपस में तालमेल क्या है। ये सारी चीज़ें हम देख करके या इन सारी बातों के संबंध में बता करके हम काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के रूप सौंदर्य का बखान करते हैं तो उसके एक एक अंग के बारे में बताते हैं, हर पहनावे ओढ़ावे के बारे में बताते हैं। वैसे ही काव्य सौंदर्य जब स्पष्ट किया जाता है तो काव्य शैली के हिसाब से जितनी बातें हमको उसमें दिखती हैं वो सब कुछ हमको लिख देना होता है, सब कुछ बता देना होता है। आप ध्यान से देखेंगे, मैं लिख करके इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान देकर देखें। जिस पंक्ति का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है वो है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धड़ी अधरा न धड़ूंगी। ये पंक्ति है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धड़ी अधरा न धड़ूंगी। मुरली और मुरलीधर में अनुप्रास अलंकार है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अधरान धड़ी का मतलब हुआ अधरों पर धर कर या होठों पर धर कर। अधरान धड़ी यानी होठों पर रख करके, और दूसरा है अधरा न धरोंगी। ध्यान देकर के देखिएगा, एक में अधरान न साथ में लिखा हुआ है और दूसरे में अधरा न यानी होठों पर नहीं, होठों पर या अधरों पर नहीं धरूंगी, नहीं रखूंगी। अधरान यानी अधरों या होठों पर, और अधरा न यानी होठों या अधरों पर नहीं। अधरान धड़ी अधरा न धरोंगी, इसमें अधर और न शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ बदल जाते हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अधरान धड़ी अधरा न में यमक अलंकार है, और चूंकि अ और ध वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। कहने का मतलब है कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का बेहतर संयोग है। अर्थ के दृष्टिकोण से यह रोचकता लाता है, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धड़ी अधरा न धरोंगी का एक विचित्र अर्थ, एक बहुत सुंदर अर्थ हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार आपने देखा कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धड़ी अधरा न धरोंगी में अनुप्रास और यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे इसके अर्थ में रोचकता आ गई है, पंक्ति अच्छी लग रही है सुनने के लिहाज से भी, बोलने के लिहाज से भी, यानी श्रवण प्रिय है, कर्ण प्रिय है, और हम इसको आसानी से बोल पा रहे हैं, बोल दे रहे हैं। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, सारे शब्द ब्रज भाषा से लिए गए हैं, और यदि रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की झलक मिलती है। अगले दो प्रश्न जो कि पृष्ठ संख्या 103 पे हैं, रचना और अभिव्यक्ति से हैं। छात्रों का इन प्रश्नों से जो कि रचना और अभिव्यक्ति में शामिल होते हैं थोड़ा सा कम मोह होता है, वो ये समझते हैं कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसे लिखना या इसका उत्तर जानना बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं की जाती है, इसके और भी कई फायदे हैं, अलग अलग कई दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, अतः इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने का प्रयास करें आप लोग। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रस्तुत सवैया में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कीजिए।
आपने देखा है कि पहले सवैया में और दूसरे सवैया में ब्रजभूमि के प्रति कविवर अस्थान का कितना अधिक लगाव है और उसके लिए वो क्या क्या छोड़ देने को, क्या क्या त्यागने को तैयार है। कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि का स्थान जो है वह स्वर्ग से भी ऊपर है। दुनिया की कोई वस्तु इन दो चीज़ों का मोल नहीं चुका सकती है, चाहे वो हमारी माँ हो या हमारी मातृभूमि हो। आप ये भी देख रहे हैं कि कविवर रसखान की जन्मभूमि नहीं है ब्रज, यह उनके आराध्य की जन्मभूमि है या कर्मभूमि है। कर्मभूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कृष्ण का जन्म तो गोकुल से दूर यमुना के पार मथुरा में हुआ था, लेकिन जन्म के पहले दिन ही वो गोकुल आ गए थे, तो इसलिए उनकी जन्मभूमि भी कह सकते हैं, कर्मभूमि भी है। कृष्ण की सारी बाल लीलाएं यही हुई हैं। तो जहाँ रसखान के आराध्य पले बढ़े उस भूमि से रसखान को इतना अधिक लगाव है। तो जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम खुद पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसकी हवाओं में सांस ले रहे हैं, जिसके अन्न को खा रहे हैं, जिस धरती पे अपना जीवन बिता रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम कैसा है, इसको अभिव्यक्त करना है। प्रश्न संख्या 11, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए। तो शिक्षक की सहायता से कक्षा में, तो अभी कोरोना काल के संकट में ये संभव नहीं दिख रहा है। सरकारी आदेश की प्रतीक्षा आपको भी है, हम लोगों को भी है, लेकिन इन सवैयों को याद करने में जो सहायता हमको, हमें आपकी हमारी तरफ से करनी है, वो सहायता मैं पूर्व के विजुअल में कर चुका हूँ। आप इसको पढ़िए। हमने कहा था कि इसमें थोड़ी सी पुरानी हिंदी के शब्द हैं जिसको बोलने में आपको कठिनाई होगी, तो मैंने पढ़ के बोल के बताया था, और इसको याद करने का फायदा भी आपको बताया था। इसमें आगे कहा गया है कि आप साथ ही किन्हीं दो सवैया को कंठस्थ कीजिए। आपका किताब, आपकी पाठ्य पुस्तक में दो सवैया कंठस्थ करने के लिए कहा गया है। हमने आपको कहा था कि आप चारों कंठस्थ कर लीजिए। चारों सवैया यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे देंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार फिर से। पहला सवैया है, मानुष हों तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरु चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जौ खग हों तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये पहला सवैया है। दूसरा है, या लकुटी अरु कामड़िया पर राजति हूँ पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन उपड़ वार। तीसरा है, मोड़ पखासिर ऊपर राखियों गूंज की माल गड़े पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहो सब स्वांग रचोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। और चौथा है, काननी दे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी निकाली को कितनो समुझई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं।